उपस्थित राजा और राजकुमारों, आकाश में घूम रही वो मछली, उसकी आंख है आपका लक्ष्य। इस जलाशय में उस मछली का प्रतिबिंब देखकर धनुर्धारी को उस मछली की आंख का वेध करना है। केवल एक तीर से और जो व्यक्ति इस प्रतियोगिता में विजयी होगा, मेरी प्रिय बहन, उसी के गले में वरमाला पहनाएगी, वरमाला पहनाएगी, वरमाला पहनाएगी। मेरे बच्चे, कर पाओगे? नहीं मामा श्री, इतनी धनुर्विद्या नहीं जानता मैं। और मामा श्री, कोई स्त्री इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जिसके लिए मैं अपमान सहन करूं। राजकुमार अर्जुन, गोविंद यथार्थ कहते थे, महादेव शिव सदैव स्पष्ट उत्तर देते हैं। स्वयंवर में वो प्रतियोगिता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये स्वयंवर क्षत्रिय राजाओं के लिए है नकुल, हम ब्राह्मणों के वेश में, हमारी वहां कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा। हमें तो माता के आदेश का पालन करते हुए आज रात को ही नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान करना होगा। आप स्वयंवर में अवश्य आएंगे राजकुमार, मुझे विश्वास है। इसीलिए गोविंद ने कहा था कि नियति को आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। हस्तिनापुर के युवराज सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्र युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। सावधान, अंगराज कर्ण पधार रहे हैं। सावधान, गांधार नरेश दो ब्राह्मण प्रतिपाल महाराज शकुनी पधार रहे हैं। सावधान, हस्तिनापुर के युवराज दुशासन पधार रहे हैं।
उत्तम व्यवस्था है मामाश्री, और शोभा भी बड़ी अच्छी की हुई है। रेगिस्तान में यदि वसंत आ जाए तो क्या होता है अंगराज? मृग तृष्णा दिखाई देने लगती है। आप पांचाल को भी शत्रु मानते हैं मामाश्री, पर शत्रु भी यदि प्रशंसा के योग्य हो तो ऐसे शत्रु की प्रशंसा करते हैं वीर पुरुष। आप वीरता को विजयी मानते हैं, मैं विजय को वीरता मानता हूं अंगराज। शत्रु की प्रशंसा करने की उदारता मुझ में नहीं है, पर गुरुदेव की मित्रता पांचाल राज से हो चुकी है मामाश्री। अब पांचाल राज हमारा मित्र ही है। शत्रुता सिद्ध ना होने तक जो सबको अपना मित्र माने वो मूर्ख होता है, और मित्रता सिद्ध होने तक जो सबको अपना शत्रु माने वो बुद्धिमान होता है। मेरे बच्चे, द्रुपद तो अभी शत्रु ही है हमारा। यदि वो बुद्धिमान होगा और हस्तिनापुर की मित्रता चाहता होगा तो अपनी पुत्री का विवाह मेरे दुर्योधन से ही करवाएगा। सिख पड़ा है घर माता, और सुरक्षित भी है। पुत्र, हम कांपिल्या से दूर तो है ना? जी माता, बहुत दूर है। आप विश्राम कीजिए, फिर हमें नैमिषारण्य की ओर प्रवास करना है। बहुत दिन तक ठीक से विश्राम नहीं मिलेगा, और बहुत दिनों तक ठीक से शायद भोजन भी नहीं मिलेगा। यहां से नैमिषारण्य तक कोई बड़ा गांव या नगर नहीं है भ्राताश्री? नहीं भीम, हमें यहीं पास के गांव से ही भिक्षा लेनी होगी। तुम और नकुल माता के साथ रहो, हम तीनों जाकर भिक्षान ले आते। नहीं नहीं, तुम पांचों जाओ तो अधिक शीघ्रता से भिक्षा प्राप्त होगी। परंतु माता, आप यहाँ अकेले? मुझे क्या भय है पुत्र, मैं द्वार बंद कर दूं। मेरे एक अनुष्ठान का संकल्प है, मैं वो पूर्ण करूंगी। अब तुम सब जाओ और शीघ्र ही लौट आए। किस दिशा में जाएंगे जयेश भ्राता? उत्तर में तो कांपिल्य है अर्जुन, उस दिशा में तो जा नहीं सकते। इस दिशा में चलते, अवश्य ही कोई गांव होगा। कल्याण हो। यहां उपस्थित राजाओं और राजकुमारों का स्वागत है। आप सब जानते हो इस समग्र आर्यवर्त को देवताओं ने दिव्य प्रसाद दिया है। यज्ञ की वेदी में से अग्नि जैसी पवित्र, उज्जवल और सौंदर्यवती कन्या का दर्शन किया है, जैसे ध्वज किसी मंदिर के कलश पर होता है अथवा किसी राजभवन के सबसे ऊंचे शिखर पर। वैसे ही मेरी पुत्री पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त करने का भाग्य विश्व के सबसे समर्थ व्यक्ति का ही हो सकता है। मैं उपस्थित क्षत्रिय राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण देता हूं,
कि अपने अपने सामर्थ्य की परीक्षा करवाने के लिए सामने आए। युवराज दृष्टद्युम्न प्रतियोगिता का परिचय देंगे। उपस्थित अतिथियों का स्वागत है। यहां एक ऐसी यंत्रणा का निर्माण किया है जिसे कोई सामान्य योद्धा जीत नहीं सकता। ये दिव्य धनुष केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में परिपूर्ण विश्वास हो अपने सामर्थ्य पर। संदेह की छाया भी जिसके मन पर पड़ेगी उसके लिए इस धनुष का भार पर्वत से भी अधिक होगा। इस धनुष की प्रत्यंचा वही बांध सकता है जो स्वयं सारे मोह क्रोध लालसा से मुक्त होकर धनुष को धारण करना जानता। जिसके लिए विद्या कुछ पाने का साधन नहीं पर जीवन ही विद्या प्राप्त करने का अवसर। उपस्थित राजा और राजकुमारों, आकाश में घूम रही वो मछली उसकी आंख है आपका लक्ष्य। इस जलाशय में उस मछली का प्रतिबिंब देखकर धनुर्धारी को उस मछली की आंख का वेध करना है। केवल एक तीर से और जो व्यक्ति इस प्रतियोगिता में विजयी होगा मेरी प्रिय बहन उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। वरमाला पहनाएगी। वरमाला पहनाएगी। मेरे बच्चे
कर पाओगे? नहीं मामा श्री, इतनी धनुर्विद्या नहीं जानता मैं। और मामा श्री, कोई स्त्री इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जिसके लिए मैं अपमान सहन करूं। मेरे बच्चे, महत्व द्रौपदी का नहीं, पांचाल के साथ संबंध का है। तुम तो जानते हो, गंधार, अंगदेश और हस्तिनापुर एक ही है। आधा पांचाल अश्वत्थामा के पास है, जो हमारे साथ है। यदि द्रुपद का पांचाल भी हमारे साथ हो जाए तो तुम शीघ्र ही सारे आर्यावर्त के स्वामी बन सकते हो। नहीं कर सकता मैं मामाश्री। इस प्रतियोगिता को कोई जीत ही नहीं सकता। ये स्वयंवर नहीं, समस्त राजाओं का अपमान करने की योजना है ये। यदि वास्तव में समर्थ योद्धा की खोज होती तो गदा युद्ध की प्रतियोगिता भी रखते, तलवार और भाले का द्वंद भी रखते। समस्त आर्यावर्त में कौन है जो ये प्रतियोगिता जीत सकता है? मैं जीत सकता हूं मित्र। यदि ये प्रतियोगिता स्वयंवर का भाग न होती तो मैं ये कर दिखाता। किंतु आप अब भी प्रतियोगिता जीत सकते हैं अंगराज। नहीं मामाश्री, पांचाल जैसे बड़े राज्य के दामाद की श्रेणी युवराज दुर्योधन से ऊपर होगी और मैं ये होने नहीं दे सकता। किंतु आप अपनी विजय का लाभ तो अपने मित्र को दे ही सकते हैं अंगराज। दुर्योधन के नाम पर प्रतियोगिता आप जीतिए और विवाह दुर्योधन का करवाइए। क्या यह धर्म होगा? किसी अन्य के लिए पत्नी को जीतना क्या उचित होगा? धर्म क्यों नहीं? गंगा पुत्र भीष्म ने तो सारा जीवन यही किया है। यदि दुर्योधन आपको अनुमति दे तो आप प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। मैं अनुमति देता हूं मित्रंगराज, अवश्य मेरे लिए तुम इस कन्या को जीत लो। जो आदेश मित्र। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा।